हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षीज विद्या साधना। तो ये जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ये पार्ट 3 है रिसोर्सेज का। और ये अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक मैं करवाने जा रही हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप क्लास 8 के स्टूडेंट हों या फिर आप नॉर्मल किसी भी क्लास के हों या फिर आप स्टूडेंट कॉलेज के हों, इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हर इंसान को इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक बनाना चाहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। तो जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कंजर्विंग रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेज तो मैं पहले आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा चुकी हूँ, अच्छे से बता दिया है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। और आई एम श्योर कि अब आप जान चुके हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं, लेकिन यहाँ हमें पढ़ना है कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो ये जो वर्ड बना कंजर्विंग, ये बना है कंजर्व से। तो कंजर्व क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। तो पहले ये देख लेते हैं कि कंजर्व क्या होता है। तो कंजर्व का मतलब होता है टू सेव और प्रोटेक्ट समथिंग, किसी चीज को बचा के रखना, सेव करना ही कंजर्व कहलाता है। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं इसमें कंजर्विंग रिसोर्सेस में कि हम कैसे रिसोर्सेस को सेव कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें। अब देखिए, ये आपकी बुक का एक सीन है, ये एक स्टोरी है और मैं आपको अब ये स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मोना हैड अ नाइटमेयर। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। मोना ने ना एक बहुत ही बुरा सपना देखा कि जो जितना भी पानी है अर्थ पे वो सब सूख चुका है और जो सारे पेड़ थे वो काटे जा चुके हैं। There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. उसने देखा कि पेड़ों के कटने की वजह से कुछ भी शेड बचा नहीं है। शेड मतलब जिसके नीचे हम बैठ सकें, पेड़ों की छाया में जैसे हम बैठते हैं, अब पेड़ कटने के बाद कुछ भी ऐसा बचा नहीं है, ना ही कुछ खाने के लिए है। और लोग बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गए हैं इस चीज़ से और वो इधर उधर खाने की तलाश में, शेड की तलाश में भटक रहे हैं। She told her mother about the dream. अम्मा, can this really happen? She asked. उसने अपने सपने के बारे में अपनी मदर को बताया कि क्या अम्मा ऐसा सच में हो सकता है? Yes, अम्मा replied, if we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. उसकी मदर बोली कि हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है, अगर हम इतनी ही लापरवाही से रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करते रहेंगे तो वो जरूर खत्म हो जाएंगे, उनकी कमी आ जाएगी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो बिल्कुल एग्जॉस्ट, खत्म ही हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? राजू आस्क्ड। तो राजू बोला कि फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? अम्मा बोली, बहुत कुछ कर सकते हैं करने को। तो जो हम कर सकते हैं वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो है रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम इन दोनों चीज़ों को करें तो हम अपने रिसोर्सेज को ईजीली बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है रिसोर्स कंजर्वेशन। ये क्या होता है रिसोर्स कंजर्वेशन? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। रिसोर्स कंजर्वेशन होता है कि हम रिसोर्स को आराम से यूज़ करें, केयरफुली यूज़ करें
और उनको इतना टाइम दें कि वो दोबारा रिन्यूड हो सके। मतलब ये नहीं कि आप किसी पेड़ से एक साथ ही सारी लकड़ियां काट दें, इतनी ज़्यादा काट दें कि उसको दोबारा ग्रो करने का टाइम ही ना मिले। लोग पूरे के पूरे जंगलों को एक बार में काट देते हैं, और आपको पता है कि एक ट्री को इतना बड़ा होने में 50 ईयर्स तक लग जाते हैं, कोई कोई 100 ईयर्स पुराना होता है। तो ट्री को टाइम लगता है, और हम क्या करते हैं, विदिन एन आवर हम उस पूरे पेड़ को ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो हमको केयरफुल यूज़ करना होगा चीज़ों का, और इसी को हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ वेरी इजी, आजकल इस पे बहुत चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट में भी होती है, और मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम्स भी लेके आई हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। मेन चीज़ यही है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इसमें हम रिसोर्सेज को बहुत ही नॉर्मल वे में यूज़ करते हैं और उनको बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसका इस्तेमाल कर सकें। अब जिस तरीके से हम पानी वगैरह का यूज़ करते हैं, लगता है कि उसे हम ही ख़त्म कर देंगे, तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो क्या करेगी? तो इसीलिए हमें हर चीज़ का बैलेंस यूज़ करना है और कंजर्व करना है रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए, और इसी चीज़ को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाई रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। तो वैसे इतनी भी डरने की कोई बात नहीं है कि हम कैसे क्या करें, कैसे कंजर्व करें। अगर हर आदमी अपना अपना ड्यूटी निभाए अच्छे से, तो फिर इजीली हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, हम थोड़ा सा कंजप्शन कम कर सकते हैं अपना, रिड्यूस कर सकते हैं कंजप्शन को, चीज़ों को हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगी इन तीनों वर्ड्स का मतलब, और तीसरी चीज़ हम रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। तो देखिए, तीन चीज़ हम कर सकते हैं। पहली चीज़ है हम रिड्यूस कर सकते हैं हमारा कंजप्शन, तीसरी चीज़ हम चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं और दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं हम इन चीज़ों को, और इस माध्यम से हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अब देखिए ये पिक्चर, पहला ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, ये जो सारे स्विचेस हैं इनको बंद कर रहा है, तो ये रिड्यूस कर रहा है कंजप्शन को इलेक्ट्रिसिटी के। आपको पता है ना इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी पानी से बने तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, विंड से बने या कोल से बने, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी बन रही है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से। और अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी कंजर्व होंगे। ये लड़की जो है ये टैप बंद कर रही है, पानी की बचत कर रही है, टाइम पे नहीं करेगी तो पानी वेस्ट होगा। ये कर रही है वाटर को कंजर्व, तो वाटर भी तो हमारा एक रिसोर्स है, तो इससे हमारा वाटर कंजर्व होगा। आप कहीं से भी जाएं, लोग अक्सर क्या करते हैं, नल खुला छोड़ के किसी दूसरे काम में लग जाते हैं और वो पानी वेस्ट हो रहा होता है, या फिर डेली अपनी कार को धो रहे होते हैं, घरों को धो रहे होते हैं। तो देखिए पानी लिमिटेड है, तो कम से कम उसको यूज़ कीजिए, तरीके से यूज़ कीजिए। कई जगह ऐसी हैं, आप तो अपनी गाड़ियों को डेली धो रहे हैं, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग एक एक बूंद पानी के लिए भी तरस रहे हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो आप उसकी लापरवाही से यूज़ मत करिए, उसको तरीके से यूज़ करिए, ताकि वो फ्यूचर में भी लोगों के काम आ सके। अब देखिए ये जो लड़का है ये एक बास्केट बना रहा है ना। ये बास्केट किससे बना रहा होगा, ये कुछ भी लकड़ियों से और चीज़ों से बास्केट बना रहा है, तो ये रीयूज कर रहा है कुछ चीज़ों को और ये बास्केट बना रहा है। हम इस तरह की बास्केट कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं, जो कार्डबोर्ड हमारे सामान के साथ आते हैं, लाइक हम
मिक्सर ग्राइंडर खरीद के लेके आए तो एक कार्टून में आता है और वो कार्डबोर्ड टाइप होता है, तो हम उसमें भी कुछ चीज़ों को रख के या कोई चीज़ हम डेकोर पीस बना सकते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें रीयूज इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये लड़की को देखिए, ये कुछ हैंडक्राफ्ट से बना रही है, इसने ये सारी चीज़ें रिसाइकल की हैं। हम अपने घर में रिसाइकल कर सकते हैं, लाइक काफ़ी प्लास्टिक की बॉटल्स आ सकती हैं, हम उन प्लास्टिक की बॉटल्स को काट के सुंदर सुंदर पेंट करके हमारे गार्डन में सजा सकते हैं, फ्लावर पॉट बना सकते हैं या कोई भी डेकोर का आइटम बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप चीज़ों को रिसाइकल कर लीजिए, आप बाज़ार से नए कंटेनर्स लाने की अपेक्षा आप उन्हीं प्लास्टिक बॉटल्स में अपनी खाने की जो चीज़ें होती हैं किचन की उनको स्टोर करने लगी, तो फिर उससे क्या होगा, क्या कम चीज़ें बिकेंगी मार्केट में जो कि प्लास्टिक की बनी हुई होगी, और जब वो डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में तो सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर सप्लाई कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। आजकल प्लास्टिक की भी तो बहुत दिक्कतें हैं ना। तो पहला कदम आप उठाएंगे तो आपको देख के बहुत सारे लोग उस चीज़ को फॉलो करने लगेंगे। तो पहले चीज़ आप स्टार्ट करिए, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करिए, आपको ही करना पड़ेगा। आपको देख के आई एम श्योर दो लोग और बदलेंगे, और उन दो लोगों को देखकर चार लोग और बदलेंगे। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल यूजर्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। The diversity of lives on the earth is conserved. The damage to natural environment system is minimized. देखिए जो फ्यूचर है ना, the future of our planet, हमारा planet कौन है? Earth. And its people, और उसके people कौन है? उसके people में हम भी शामिल हैं। यानी जो फ्यूचर है ना हमारे planet Earth का और उसके पीपल यानी जिसमें हम भी इंक्लूड हैं, वो लिंक्ड किससे? हमारी एबिलिटी, हमारी क्षमता, हमें कितनी क्षमता है कि हम प्रिजर्व कर सकें हमारे नेचर को। ठीक है, तो हमारी कुछ ड्यूटी हैं जो हमें करनी पड़ेंगी अगर हमें अपना फ्यूचर अच्छा करना है, हमारे प्लैनेट का फ्यूचर अच्छा करना है। और प्लैनेट का फ्यूचर अच्छा होगा तो हमारा तो हो ही जाएगा। जैसे कि पहला है, All uses of renewable resources are sustainable. देखिए हमें ना हर चीज़ को, अभी मैंने आपको बताया था sustainable development, तो हर चीज़ को इस तरीके से use करना पड़ेगा renewable resources को कि वो sustainable रहे, ताकि एकदम से ख़त्म ना हो और वो future में भी लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। दूसरा है, the diversity of life of earth is conserved. अब देखिए diversity जो word आया है, diversity का मतलब क्या होता है? हम पूरे दुनिया की बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात कर लो, क्योंकि इंडिया में भी बहुत डाइवर्सिटी है। तो मैं पहले आपको डाइवर्सिटी एक एग्जांपल के थ्रू से समझाती हूँ, और एग्जांपल में मैं लेती हूँ ह्यूमन बीइंग। देखिए हमारी इंडिया है, अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएं तो वहाँ आपको थोड़े गोरे लोग मिलेंगे, बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, और थोड़े हाइट भी अच्छी होती है उनकी। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो हाइट ज़्यादा नहीं होती है, काफ़ी स्किन अच्छी होती है लोगों की। ये सब वेदर की कंडीशन की है, वो थोड़े चाइना टाइप के लिखते हैं, उनकी जो फेस होती है थोड़ी चाइनीज टाइप की होती है ना, या नेपाली टाइप्स। और फिर जब आप साउथ में आएंगे तो वहाँ के लोग थोड़े से ब्लैकिश हो जाते हैं। वो ब्लैकिश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी के कारण ऐसा रंग वहाँ हो जाता है। फिर जब आप सेंट्रल इंडिया की तरफ आएंगे तो काफ़ी अलग तरह का फेस होता है। उत्तराखंड के लोगों का, जो पहाड़ी लोग होते हैं, उनका फेस का अलग होता है। तो देखिए कितनी अलग अलग डाइवर्सिटीज़ है ना। आपने देखा होगा हरियाणा और जो पंजाब के लोग हैं, वहाँ लड़कियों की हाइट भी काफ़ी अच्छी होती है। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना, इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी, जो कितनी अलग अलग चीज़ें हमें ह्यूमन बीइंग्स में ही दिखने मिल रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारी एक कंट्री में। डाइवर्सिटी फूड, अगर खाने की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपको कुछ अलग खाने को मिलेगा,
मुझे वहाँ के कोई खास फूड का नाम ऐसे पता नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ अलग तरह का फूड खाया जाता होगा। अगर आप बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पर राइस विथ फिश करी खाया जाता है। अगर आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ ढोकला खाया जाता है। राजस्थान में बाटी बहुत पसंद की जाती है दाल से। एमपी में बाटी को भरते के साथ खाया जाता है। और यूपी में अपना अलग स्वाद का खाना बनता है। ठीक है, साउथ में जाएंगे तो साउथ इंडियन नाम से तो इडली डोसा वगैरह फेमस है। तो देखिए, खाने में भी कितनी सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं। हर जगह अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें मिलती हैं। रसगुल्ला हर जगह मिलता है, लेकिन फेमस वो कहाँ का है? फेमस वो बंगाल का है, और अब एक और जगह का रसगुल्ला फेमस है, और वो है उड़ीसा का। तो यही डाइवर्सिटी है खाने में। तो उसी तरीके से जो अर्थ में डाइवर्सिटी होती है, वो देखिए अर्थ में कितने प्रकार के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। और एनिमल में भी देखिए, बर्ड में सपोज करिए कोई भी एक बर्ड ले लीजिए, पैरट ले लेते हैं। अगर आप पैरट को ही सर्च करेंगे ना गूगल पे, आपको बहुत तरह तरह के स्पीसीज देखने को मिल जाएंगे। हम जैसे कि अगर सेंट्रल इंडिया, यूपी, एमपी और राजस्थान साइड की बात करें, तो मोस्टली हमें देखने को मिलता है पैरट दो तीन प्रकार का, जो ग्रीन होता है और किसी किसी की नेक में रेड कलर का एक नेक, ऐसा लगता है जैसे उसने नेकलेस पहना हो। ग्रीन पैरट और रेड कलर की उसकी नेक हो रही होती है, और एक होता है जिसकी नेक पे रेड नहीं होता। लेकिन अगर आप गूगल करके देखें, आपको इतनी सारी वेरिएशन मिल जाएंगी, अलग अलग प्रकार के पैरट्स में देखने को मिल जाएंगे, जो ज़्यादातर आप सर्कस में देखते हैं, क्योंकि सर्कस में वो अलग अलग कंट्रीज से उनको मंगवाते हैं। तो ये हो गई डाइवर्सिटीज पैरट्स में। हर स्कॉर्पियो हो जाए, चाहे चींटी हो जाए, इनके अलग अलग स्पेसीज होते हैं। अगर सही टर्म देखी जाए तो वो होता है स्पेसीज। वैसे ही अलग बर्ड्स की होती हैं, क्रोकोडाइल्स की होती हैं, टाइगर की होती हैं, इवन खाने की चीज़ों की भी स्पेसीज होती हैं। टोमेटो की होती है, पोटैटो की होती है ना, कैबेज की, कॉलीफ्लावर, मशरूम्स, सब चीज़ की स्पेसीज होती हैं। बहुत डाइवर्स है हमारा जो अर्थ है, और अर्थ की हर चीज़ बहुत डाइवर्स है। तो हमें इन सारी चीज़ों को कंजर्व करना चाहिए। अब देखिए, आजकल जो स्पैरो है, गौरैया हिंदी में कहते हैं, वो लुप्त होती जा रही है, दिख नहीं रही है। अब हम जो नॉर्मल पीपल होते हैं, उनको लगता है कि हमें हमारा क्या जा रहा है। अच्छी बात है, हम चावल सुखाते हैं या गेहूँ सुखाते हैं तो अब वो खाने नहीं आती, परेशान नहीं करती। लेकिन आप नहीं जानते कि अर्थ पे सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया का ख़त्म होना भी ना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये पूरी एक साइकिल है। अगर एक भी चीज़ कम होती है, लाइक अब अभी रिसेंट स्टडीज़ ने ये भी बताया था कि जो वल्चर है ना, गिद्ध, वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इन सब का ख़त्म होने से ना बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो वो कोई भी एनिमल हो, आप ये मत सोचिए कि ये इसकी जो लाइफ है वो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमारी ही लाइफ ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे वो डॉग हो, कैट हो, चींटी हो, या स्कॉर्पियन हो, लिजार्ड हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, हर चीज़ जो अर्थ पे है वो फालतू में नहीं है, और सबकी लाइफ बहुत ज़रूरी है, और उसको हमें बैलेंस करना है, कंजर्व करना है। और कंजर्व करने के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो इतना करिए कि ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी सी आप मुट्ठी भर कुछ डाल दिया करिए, या आपका बचा कुचा खाना है उसे डस्टबिन में ना फेंक के आप ऐसी जगह रखा करिए कि कुत्ते, चिड़िया या जो भी हो वो खा सके। कम से कम पानी का बाउल तो आप भर के रख ही सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। टू नेचुरल इन्वायरमेंट इज मिनिमाइज्ड। और हम अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे ना, तो जो डैमेज हम पहुंचा रहे हैं वो भी बचेगा, कंजर्व हो जाएगा हमारा अर्थ। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे डैमेज के बारे में। तो हम जो कैसे डैमेज करते हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, पॉल्यूशन से करते हैं सबसे ज़्यादा। तो इंडस्ट्रीज में जो पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल जो काम होता है, या जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे वो प्लास्टिक फैक्ट्री हो, या कोई केमिकल फैक्ट्री हो, कोई भी फैक्ट्री हो, तो या तो वो एयर पॉल्यूशन करेगी, या फिर उसका जो वेस्ट है वो नदियों में जाके गिरेगा, तो वाटर पॉल्यूशन होगा। तो ये पॉल्यूशन हम कम से कम कर सकते हैं। हम लाइक
हम क्या कर सकते हैं कि जो लोग क्या करते हैं कचरे को जलाते हैं, हम उस चीज को कम कर सकते हैं। अपने बिहाफ पे हम जितना कर सकते हैं हमें उतना करना चाहिए। नेचुरल एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, क्लीन रहने से भी वो अच्छा रहेगा। और हम अपने बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ कर सकते हैं, नॉइस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। बहुत लोगों को अक्सर मैंने देखा है कि वो बहुत हाई साउंड पे गाने चलाते हैं, म्यूज़िक सिस्टम ऑन करके पागल हो जाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि उनके नेबर को कितनी दिक्कत होगी। ये वैसे गवर्नमेंट का रूल भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं और जो ओल्ड लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये नॉइस पॉल्यूशन है जो कि नहीं अच्छी होती, तो हमें इसको भी कम करना चाहिए। हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को ना डैमेज नहीं करना चाहिए, हमें अपने ट्रीज को डैमेज नहीं करना चाहिए, हमें कॉपी में ना पेजेस को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बहुत कम कम स्पेस में बचा बचा के लिखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पेपर्स का यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, ज़्यादा ट्रीज कट होंगे, क्योंकि ट्रीज से ही पेपर बनता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन इंडस्ट्रीज को तो नहीं जाके बोल सकते कि प्लीज़ पेड़ मत काटो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम पेपर बचा सकते हैं। अगर हम कम पेपर को यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो नीड होगी, हमारा जो कंजप्शन होगा ना कॉपी खरीदना, तो वो हम जहाँ 10 कॉपी खरीदते थे वहाँ हम 5 कॉपी खरीदेंगे। और जब हम 5 कॉपी खरीदेंगे तो जो एक डिमांड है, जो हम डिमांड करते हैं मार्केट में, वो हो जाएगी कम। तो जब किसी चीज़ की डिमांड कम होती है ना बेटा, तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है। अब कोई शॉपकीपर है, जब कॉपी कम बिक रही है वो क्यों खरीदेगा? तो जब वो कम खरीदेगा तो अल्टीमेटली ना इंडस्ट्री में भी वो कम बनने लगेंगी, क्योंकि इंडस्ट्री से क्या माल बिकेगा ही नहीं, सामान बिकेगा ही नहीं। तो जब इंडस्ट्री उसे कम बनाना चाहेगी तो ट्रीज भी कम ही कटेंगे। इसलिए आप कोशिश करिए कि कम से कम आप पेपर वेस्ट करिए, तो आप अपने ट्रीज को, अपने अर्थ को सेव कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो यही रहा हमारा वीडियो।